अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल इन मास्क। कैसे हो आप सब? तो ये व्लॉग है 29 नवंबर का। तो ये दिन हम लोग गए थे मस्कती डेयरी फार्म। हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ से वॉलंटियरिंग करने स्कूल स्टूडेंट्स को। तो मैं आप लोग के साथ काफी चीजें शेयर करी, देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे स्कूल बसेस आ गए, सो वी आर गोइंग टू बी द वॉलंटियर्स। वी आर गोइंग टू टेक देम इनसाइड। तो बेसिकली हम लोगों को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना था, हर एक को एक एक टॉपिक दी गई थी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। हाँ, तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद आपको मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। बटन थैंक यू, सेम टू यू। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें हो रही। एंड यहाँ पर 10 रुपीज़ के टेट्रा पैक ऑफ मिल्क आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। जो है ना हॉट रूम में रखेंगे फॉर 2 to 3 आवर्स, ताकि ये कर्ड अच्छे से जम जाए। वाटर है वो जमना नहीं बोलकर इसमें से ऐसे पास करके ये पाइप के थ्रू जो बाहर की तरफ निकलता। एंड आप देख सकते हैं ये येलो टैंक्स में पूरा मिल्क है। प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन हियर। फाइनली हम लोग को जो एक्सप्लेन करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरी जगह पर। इधर ये फैक्ट्री है और इधर है कोल्ड रूम एंड इधर है हॉट रूम। हॉट रूम इधर कर्ड जो है ना वो दिस इज हॉट रूम जो है कर्ड को जो है ना स्टोर करते ताकि वो जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट हो। वॉलंटियर्स का काम खत्म, तो अब ये लोग जा रहे दूसरी जगह पर। अब हम लोग आए घी के प्रोसेस के पास। तो घी की स्मेल और काफ़ी डेयरी प्रोडक्ट्स की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग रहती कि हम लोग की तबीयत ख़राब हो रही थी। प्रोसेस ऑफ मेकिंग घी इज़ गोइंग ऑन। जो बटर है उसको अच्छे से वॉश करके निकाल के फिर इसमें डालते। देख सकते घी ऑलरेडी इधर बन रहा है और मैं आयशा काफ़ी थके हुए हैं, हम लोग चिप्स खाएंगे अभी। थोड़ा ये इसको जो है ना घी बनाते हैं, मतलब अच्छा वो वॉश करके उसको फिर अच्छा अच्छे से बॉईल करके। तो यहाँ पर घी जो है ना उसमें स्टोर होता है। यहाँ पर जो है ना घी और फ्लेवर्ड मिल्क सारी चीज़ें पैक हो गई। यहाँ पे पैकिंग का प्रोसेस होता। अनुदर आप देख सकते हैं इसमें सारे कंटेनर्स में घी स्टोर है। तो ये पूरा जो एरिया है ना, जो पूरा एक रूम है वो पूरा घी के लिए है। एक घी को बनाते हैं उसको स्टोर करते। मैं आपको फैक्ट्री का थोड़ा टूर कराई, इधर घी का प्रोसेस चल रहा है। मैं यहाँ गेट बैक टू यूसी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ से। कौन कहाँ है तुम्हारा जी? यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क प्रिपेयर और पैक हो रहा। एंड यहाँ से जो है ना प्रोडक्ट जो है डिलीवरी के लिए निकलते हैं, एज यू कैन सी। तो यहाँ यहाँ तक था जो प्रोसेस है ना फैक्ट्री का, वो सब चीज़ें।
यहाँ पे से जो है ना ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाता, तो आप देख सकते ये था प्रोसेस फैक्ट्री का। दिस इज़ बर्निंग एरिया, तो यहाँ पे बर्निंग एंड हीटिंग का काम होता, तो ये फैक्ट्री के थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस पे था, बिकॉज ज़्यादा क्लोज रहना भी थोड़ा रिस्की रहता है। इसलिए स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। दिस इज आइसक्रीम का सेक्शन, यहाँ पर आइसक्रीम एंड जो केक रहते हैं ना वो बन के आइसक्रीम केक से रहते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स पैक हो रहे हैं, कुल्फी के प्रोसेस हो रहे हैं। -38 टेम्परेचर है था यहाँ पे, कैल्शियम और क्लोराइड रहता है जिसकी वजह से आइस फॉर्म नहीं होती, यानी यहाँ कुल्फी के प्रोसेस चालू है। स्टोरेज बॉक्स फॉर आइसक्रीम देने की नहीं है, खोलिया तो आप देख सकते हैं अंदर पूरा आइसक्रीम का स्टोरेज है। इधर चौकोबार है, इधर कुल्फीज है, और इधर क्या है? इधर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये पूरा स्टोरेज है, ये हार्डनर है। अच्छा, स्टोर होता सामान। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फैक्ट्री में 12 आवर्स। ओके, लेडीज कहीं को नहीं है फैक्ट्री में? लेडीज कहीं को अलाउड नहीं है, लेडीज का कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं लेडीज का काम ही नहीं है, कहते ये काम लेडीज। ये प्रोसेस, तो प्रोसेस अच्छा, इसमें चॉकलेट है। ओके, चोकोबार का वो होता है। ओके, दो मिनट में डीप होता तो देख लेना। ओके ओके, आप दिखाइए। ओके, इसके बाद में दो मिनट तो निकलता है उसमें डीप। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आप पे एक सेट करके बता रहे हूँ, एक सेकेंड समझ गिर गया। थैंक यू भैया। देख सकते ये मटका कुल्फी के मटके है, इधर वो होते मतलब इसकी पैकेजिंग होती है। आइसक्रीम का है मेरे को नहीं मालूम, उधर है शायद ना आइसक्रीम। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स गोइंग इनसाइड स्नो रूम, स्नो रूम करते आइस रूम। लेट्स गो। तो ये था आइसक्रीम स्टोर करने का फ्रीजर, और यहाँ पर टेम्परेचर काफी लो था, हम लोग 5 मिनट से ज्यादा ठहर भी नहीं पाए। It's too cold, man. काम हो गया वहां से, वी आर गोइंग आउट। हम लोग को पानी मिल गया, अब हम लोग जा रहे कहीं बैठने के लिए। यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। सॉरी, तो फाइनली हम लोग का काम हो गया, अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। वी आर वेरी मच टायर्ड गाइस। सब लोग बाहर जा रहे हैं। थैंक यू, जब हम लोग निकलने वाले हैं। वी आर लीविंग राइट नाउ।
कुछ ऐसे टाइप के स्विंग्स वाले। तो हम लोग अभी घर के लिए निकलेंगे, टायर्ड। ये है हम लोगों का लंच, तो हम लोग अब लंच करेंगे। तो फाइनली हम लोग को सर्टिफिकेट्स भी मिल गए थे। इट वॉज 3:30, हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।